ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन व सिख संगठनों द्वारा 1984 के सिख दंगों को 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी इंसाफ ना मिल पाने को लेकर पंजाब बंद करने का ऐलान किया गया है। इसी के चलते विभिन्न सिख संगठनों की ओर से लुधियाना में सुबह करीब 5 बजे से रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसके बाद रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। प्रदर्शन कर रहे दंगा पीड़ित प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार दोषियों को सजा देने के लिए जल्द से जल्द SIT का गठन किया जाए। सिख संगठनों का यह भी कहना है कि वे संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक 1984 दंगों के आरोपियों को सजा नहीं मिल पाती और दंगा प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं हो पाती। वहीं दूसरी ओर इस रेल रोको आंदोलन के कारण लुधियाना में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम सुरजीत सिंह, प्रधान दंगा पीड़ित वेलफेयर सोसाइटी पंजाब। जो बंद की हमने कॉल दी है, जो आज 30 साल हो गए हैं, जो कत्लेआम हुआ था हिंदुस्तान में, तकरीबन 10,000 सिख मारे गए थे, आज 30 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी कातिल को सजा नहीं हुई है। आज उसको लेकर हमने जो पंजाब की जितने भी रेलें हैं, रेलवे ट्रैक सब बंद कर दिया, ये और सारा पंजाब बंद रहेगा जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता, SIT नहीं बनाई जाती और पंजाब के दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कलकत्ता हावड़ा से मैं जाना चाहता हूँ, एक चल हिमाचल में जाना है और मैं जलंधर से मैं दूसरा ट्रेन है, ये ट्रेन बीच में रुक जाने से मेरे को एक प्रॉब्लम है। एक तो मेरे को 9 बजे उधर ट्रेन है, वो ट्रेन पकड़ नहीं पाऊंगा। दूसरा है मेरे को सर्विस का, मैं सर्विस होल्डर हूँ, मेरे को काज शाम को रिपोर्ट है। अगर मेरे को यहाँ पर रुक गया और मेरे को उधर जाके शाम को तक मैं उसको रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा तो मेरे को बड़ी मुश्किल आ रहा है। तो इसी तरफ से अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो सीधा जाके सरकार के साथ बात करना चाहिए, हमारा ट्रैफिक बंद नहीं करना चाहिए, इसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग जो हमने बंद की कॉल दी है, ये हम सेंट्रल सरकार के कानों में ये आवाज़ डालना चाहते हैं कि जो 1984 में कत्लेआम हुआ, जो हमारे हजारों निर्दोष सिखों का कत्ल हुआ, वो हमारे कातिल शरेआम घूम रहे हैं, उनको आए दिन तक कोई सजा नहीं मिली। इसलिए हम मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि पहले तो ये होता था कि वहाँ सेंटर में कांग्रेस बैठी है, लेकिन आज वहाँ पर भाजपा बैठी है, मोदी प्रधानमंत्री हैं। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारे कातिलों को सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए। एक जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो 2 दिन पहले 5 लाख का ऐलान किया है हमारी वो विडो बहनों के लिए, वो हमें अच्छा लगा, हम उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी साहब, ये आपने एक बहुत ही बड़ा जो फिरके वाली बात की है, एक धोखे वाली बात की है। जो पीड़ित परिवारों का पैसा बचा हुआ था 2006 में जो पैसा आया था, वही पैसा जो बचा था वो पैसा उन्होंने वहाँ हमारी विधवा बहनों को दे दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 3325 विधवा नहीं है, 700 विधवा कॉलोनी में बैठी हैं दिल्ली में, और जो हजारों हमारी हजारें बहनें हैं जो पंजाब में बैठी हैं, जिनकी उस टाइम घर वाले लापता हो गए, जो घर से बाहर गए थे वो मारे गए, जिनके बच्चे मारे गए थे, घर से बाहर काम के लिए गए वापस नहीं आए, उनका कौन सोचेगा, उनको कौन देखेगा, उनके लिए भी ये जो राशि है पूरे पंजाब में दी जाए और पूरी दिल्ली की बहनों को दी जाए। दिक्कत आ रहा है हमको, आज सुबह ऑफिस आवर में होशियारपुर से लेके जहाँ कला जाना है एक ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस का, तो वहाँ हम तो राइट टाइम पहुँच नहीं पाएंगे, इसके आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। हम काम के तलाश में जा रहे हैं, लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से हम लोग यहाँ पे बीच ट्रैक में बैठे हुए हैं, यहाँ से लुधियाना स्टेशन भी कुछ दूर है, लेकिन हम बीच में फंसे हुए हैं।